हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान राज्य में स्थित चित्तौड़गढ़ जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिला, यह ज़िला भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान के कुल 33 जिलों में से एक चित्तौड़गढ़ जिला के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के दक्षिण से पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से मिलती है। चित्तौड़गढ़ जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस चित्तौड़गढ़ शहर में मौजूद है, और चित्तौड़गढ़ जिला उदयपुर मंडल के अंतर्गत आता है। चित्तौड़गढ़ जिला के पड़ोसी जिले का नाम भीलवाड़ा जिला, बूंदी जिला, प्रतापगढ़ जिला, कोटा जिला, उदयपुर जिला और राजसमंद जिला है। चित्तौड़गढ़ जिला में 11 तहसील, 7 उपखंड, 11 पंचायत, 288 ग्राम पंचायतें, 10 मेडिकल कॉलेज, 29 सरकारी अस्पताल, 1 लोकसभा, 6 विधानसभा और 1524 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 10,856 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला की कुल आबादी 15,44,338 है। इस 15,44,000 में पुरुषों की कुल आबादी 7,83,000 और महिला की कुल आबादी 7,61,000 है। चित्तौड़गढ़ जिले का औसत लिंगानुपात 927 के करीब है, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिला में 1,000 पुरुष पर 927 महिला हैं। चित्तौड़गढ़ जिला के मुख्य नदी का नाम भरोच नदी है। भरोच नदी के किनारे पर बसा यह जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 309 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 580 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 61% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 61% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: RNT लॉ कॉलेज, मेवाड़ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, बचपन प्ले स्कूल और न्यू शिखर एकेडमी आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिला इतिहास से ही काफ़ी बड़ा दिलचस्प है। चित्तौड़गढ़ जिला को किताबों में पढ़ा जाता है, और पर्यटन स्थल की बात करें तो खूबसूरती के खजानों से बसा यह चित्तौड़गढ़ जिला चारों तरफ से खूबसूरती खजानों से घिरा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान हैं जहां पर देश से लोग आते हैं और चित्तौड़गढ़ घूमते हैं। चित्तौड़गढ़ जिला के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में नाम इस प्रकार हैं: चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़, मनाल, रावतभाटा, बारीसाबरी, भौसारेगढ़, सीता माता वन जीव अभयारण्य, ये सभी इसी चित्तौड़गढ़ जिला में मौजूद हैं। सड़क रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग राजस्थान के और भी कई जिलों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 8 गुजरती है, जो आगे चलकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गाँवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम चित्तौड़गढ़ रेलवे जंक्शन है। इस जंक्शन में 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरी शामिल है, और इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। इसका स्टेशन कोड COR है, और चित्तौड़गढ़ जंक्शन अजमेर रतलाम सेक्शन, चित्तौड़गढ़ उदयपुर सेक्शन और कोटा चित्तौड़गढ़ लाइन पर स्थित है, और यह रेलवे जंक्शन वेस्टर्न रेलवे जोन के रतलाम डिवीजन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिला के बारे में आपकी क्या राय है,
हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।